forward, people on Earth were embroiled in a controversy about how much they should eat and how often they should beg to lead long and healthy life. They decided to pray to Narsingh Shiva for guidance. So, ancient जो लोग कथा है पुराने बहुत पुराने जो लोग कथे लोगों के अनुसार लोगों की लोग जो पहले जमाने की जो बातें होती है उसके हिसाब से जो लोग अर्थ में रहते थे उन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी था, एक दूसरे में दूसरे की बात पे उनका प्रॉपर जो चीज़ें वो पता नहीं था, एक दूसरे के बीच कंट्रोवर्सी था, वो अपोज कर देते एक दूसरे का रिगार्डिंग वट इसके बारे में वो कंट्रोवर्सी था दैट हाउ मच दे शुड ईट एंड हाउ ऑफन दे शुड वर्क टू लीड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. दैट मीन्स उनको हाउ मच दे शुड ईट कितने अमाउंट का कितने क्वान्टिटी का खाना चाहिए उनको एंड हाउ ऑफन दे शुड वेयर टू लीड अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ कितना अमाउंट का खाना उनको खाना चाहिए कितने टाइम खाना चाहिए फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए. दे डिसाइडेड टू प्रे लॉर्ड शिवा फॉर गाइडेंस. तो इसके लिए उन्होंने महादेव भगवान को प्रे करा था कि भगवान हमको इस चीज़ के लिए गाइड करे बताइए. सो लॉर्ड शिवा वॉज बिजी इन अ मीटिंग विथ ब्रह्मा एंड विष्णु. सो ही सेड हिज ग्रूम नंदी टू टेल पीपल टू प्रे थ्री टाइम्स अ डे एंड टू ईट वंस. तो महादेव भगवान को जब सब लोगों ने अर्थ से प्रे किए तो वो टाइम पे मीटिंग में थे, मतलब ब्रह्मा और विष्णु लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु के साथ उनका मीटिंग चल रहा था कुछ. तो उन्होंने अपना जो उनका जो गुण होता है नंदी जो नंदी गुण होता है नंदी भी उनका एक बहुत बड़ा डिवोटी है. तो उनको उन्होंने जो भी लोगों को बोलना था अर्थ के लोगों को जो भी एडवाइस देना था उन्होंने नंदी को बोल के उन्होंने हमारे अर्थ में भेजा कि क्या बोला उनको कि पीपल टू प्रे थ्री टाइम्स अ डे एंड ईट वंस अ डे. तीन टाइम उनको प्रे करना है और एक टाइम उनको खाना खाना है, ठीक है. सो ऑन दिस वे नंदी केम अक्रॉस द पास्चर ऑफ इंद्रस एंड स्टॉप देयर. तो नंदी महादेव भगवान की बात मान के हमारे धरती पे अर्थ पे आने मतलब आए. तो रास्ते में क्या हुआ ऑन हिज वे नंदी केम अक्रॉस ए पास्चर ऑफ ग्रीन ग्रास एंड स्टॉप देयर. तो रास्ते में एक ग्रीन पास्चर देखा, पास्चर मतलब जहाँ पे सब कैटल्स होते हैं जैसे गाय और मतलब शीप्स होते हैं ये होते हैं गोट होते हैं इनका पास्चर मतलब उनको रखने के लिए कैटरिंग करने के लिए जो जगह होती है वहाँ पे ग्रास वगैरह होते हैं खाने के लिए चीज़ें भी होती है. तो नंदी जो थे वो वहाँ पे फूल थे तो वो वहाँ पे जैसे ग्रास देखे अच्छे फ्रेश ग्रास देखे तो वो वहाँ पे रुक गए खाने के लिए. उन्होंने खा लिया ही हर्ड अ गुड मील ऑफ हेल्दी डिलीशियस ग्रास एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी टू अर्थ. तो अच्छे से खा लिया फिर उनका जो जर्नी है जो अर्थ पे जा रहे थे वो कंटिन्यू करें. आफ्टर वॉकिंग फॉर सम मोर टाइम ही केम अक्रॉस सम लीफी बुशेस एंड स्टॉप अगेन टू स्नैक ऑन द लीव्स. आफ्टर वॉकिंग फॉर सम मोर टाइम ही केम अक्रॉस सम लीफी बुशेस एंड स्टॉप. फिर वो ग्रास खा के फिर चलने लगे फिर रास्ते पे उनको क्या दिखा सम झाड़ी देखी. झाड़ी जो होती छोटे छोटे पौधे होते हैं वो अच्छे से ग्रीन ग्रीन हरा हरा पत्ता था उसको उनको वो देखा. फिर वो वहाँ पे रुक गए खाने के लिए. फिर उनके उन्होंने क्या किया वो भी अच्छे से अस्ना की कुछ देर तक खा लिया उसको उन्होंने. देन ही स्टार्टेड हिज लॉन्ग वॉक अगेन. फिर उन्होंने अपना चलना जर्नी जो है वो स्टार्ट किया. अ फ्यू आवर्स ऑफ वॉकिंग ब्रॉट हिम टू एन ऑर्चर्ड एंड ही वाज टेम्प्टेड टू सैंपल सम ऑफ हिज डिलीशियस फ्रूट गोइंग देयर. पहले उन्होंने ग्रास खा लिया पेशर से फिर उसके बाद उनको लीफी से बुशेस दिखा वहाँ पर भी उन्होंने अच्छे से पत्ते पत्ते खा लिए. फिर चलने लगे फिर चलते चलते उनको अर्चर्ड दिखा. अर्चर्ड मीन्स जो बगीचा होते हैं जहाँ फ्रूट्स वगैरह होते हैं बागान होता है जिसको बोलते हैं फ्रूट्स के बागान. तो वहाँ पर फिर भी फिर वहाँ पर अच्छे से फ्रूट्स जो भी सारे फ्रूट्स वहाँ पर थे वो भी उन्होंने अच्छे से खा लिए. आसन ऑफ स्टमक वॉज फूल क्योंकि इतने सारे खा गए तो उनका पेट पूरा अच्छे से भर गया स्टमक उनका भर गया. देन ही स्टार्टेड ऑफ फिर ही वॉक फॉर आवर्स एंड वॉज गेटिंग थर्स्टी एंड डर्टी.
stuffs and done so many things that he was confused about Earth's purposes. तो वो बहुत बार अर्थ में मतलब मध्य भूमंडल में रहते हैं कैलाश पर्वत में, वहाँ से अर्थ में पहुँचने के रास्ते में उनको बहुत बार रुके, बहुत सारा कुछ खाना खाए, नहाए, पानी पिए, ऐसे बहुत टाइम उन्होंने इधर उधर करके डाइवर्ट हो गया उनका माइंड. तो जो महादेव भगवान ने मैसेज दिया था वो मैसेज उनके दिमाग में से आउट हो गया था और वो कन्फ्यूज हो गए कि एक्चुअली मैसेज क्या था, भगवान का लक्ष्य क्या था, एक्चुअली जो मैसेज वो देना चाहते थे वो क्या था, वो कन्फ्यूज हो गए थे तब तक. सो बाय द टाइम ही रीच्ड अर्थ ही हैड मेड सो मेनी स्टफ्स एंड डन सो मेनी थिंग्स दैट ही वॉज कन्फ्यूज अबाउट लॉर्ड शिवास मैसेज. सो ही टोल्ड पीपल टू ईट थ्री टाइम्स अ डे एंड प्रे वंस डेली. तो जो मैसेज महादेव भगवान ने दिया था उन्होंने उसको उल्टा करके बोला, महादेव भगवान ने क्या बोला था, प्रे थ्री टाइम्स एंड ईट वंस. पर वो उन्होंने क्या बोला, ईट थ्री टाइम्स एंड प्रे वंस टाइम. ओके, तो उन्होंने उल्टा करके वो चीज़ें बोला. ठीक है, सो ही टोल्ड पीपल टू ईट थ्री टाइम्स अ डे एंड प्रे वंस डेली इंस्टेड ऑफ द एडवाइस ऑफ प्रेइंग थ्री टाइम्स अ डे एंड ईटिंग ओनली वंस. तो उल्टा करके उन्होंने बोला क्योंकि वो कन्फ्यूज हो गए थे, बार बार रुक के खाना खा रहे थे, सब काम कर रहे थे. नाउ अ थाउजेंड ईयर्स लेटर द डाइटिशियंस सॉर्ट ऑफ बिलीव इन दिस मिस्टेक. वी आर एडवाइज टू ईट 4 to 5 times अ डे इन स्मॉल क्वान्टिटीज. तो जो महादेव भगवान ने बताया था कि जो स्टोरी है असली में है कि नहीं उनको तो नहीं पता, बट एज पर द स्टोरी एज पर यू बुक जो मैसेज महादेव भगवान ने दिया था उसके बाद 3 times हमको प्रे करनी है लोगों को, अर्थ के पीपल का, एंड वंस ओनली वंस कैन टेक योर फूड. तो नंदी ने हमको पीपल जो लोग थे उन्होंने गलत मैसेज दिया था, उल्टा कर दिया था, तो लोग उसी के हिसाब से चलते जा रहे हैं. जो लोग ज़्यादा खाते रहते वो चाहे